नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका हमारे इंटरनल केमिस्ट्री क्लास में। आज मैं कक्षा 10 के लिए लाया हूँ पहला लेसन जो हमारा यानी अध्याय पहला हाई स्कूल का कक्षा 10 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण क्या है, यानी समीकरण तो कितने प्रकार के होते हैं ये सब बताया जाएगा। आप लोग जैसा कि जानते हैं लॉकडाउन के समय में सभी जगहों पर ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है, तो आपको हम अपने शिक्षण की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑनलाइन क्लास को लेके आए हैं। तो इस ऑनलाइन क्लास में जो चीज़ें आपको दी जाएं या जो चीज़ें बताई जाएं, जिन छात्रों को नोट्स के माध्यम से यदि लिखना है तो उसको कॉपी में लिख लीजिए और उसके साथ याद कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। पहला हमारा अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, यानी केमिकल रिएक्शन। और रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ जैसे हाइड्रोजन ले लिया गया, हीलियम ले लिया गया, मैग्नीशियम ले लिया, कोई भी एक या एक से अधिक पदार्थ। तो जैसे मान लिया मैंने मैग्नीशियम ले लिया तो मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन यानी Mg की क्रिया O के साथ कराएंगे, तो हमारा बनेगा Mg2O। तो क्या करेंगे, यहाँ बैलेंस बराबर करने के लिए दो में मैग्नीशियम से गुणा कर देंगे और यहाँ से भी दो से गुणा कर देंगे, तो 2MgO यानी मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर। जब हम मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। देखिए हमारी परिभाषा क्या कह रही है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर या परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, यानी Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड का यानी नए पदार्थ का निर्माण कराएं तो हमारी रिएक्शन कहलाए यानी रासायनिक अभिक्रिया कहलाए। अगला हमारा है रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण क्या है? देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों के माध्यम से या उनके सूत्रों के माध्यम से जो संक्षिप्त प्रदर्शन होता है वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसमें भाग लेने वाले जैसे कोई रिएक्शन है उसमें जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं है ना, और रिजल्ट होते हैं, तो रिजल्ट कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं, यानी अधिकारक और उत्पाद ये कितने हैं, कितने भाग लेते हैं, इनके बारे में बताएगा। तो ये परिभाषा बता रही किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों का संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमारा H2, तो ये हाइड्रोजन का सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। ऐसे ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन को प्रदर्शित कर दिया, तो हम H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करेंगे तो हमें बनेगा या हमें प्राप्त होगा H2O। बैलेंस बराबर बनी तो यहाँ दो से गुणा कर 2H2O यानी हाइड्रोजन की संख्या 2 × 4 हो गई और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, यहाँ 2 से गुणा कर लिए तो 2 × 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन ये पूरे के लिए गुणा कर लिया है। इधर वाला जो पक्ष होता है जैसे मान लिया हमने ले लिया H2 plus H2 plus O2 gives out H2O, 2 से यहाँ पड़ा 2 से यहाँ, तो ये जो हमारा पद इसको हम कहते हैं अधिकारक और इधर वाले पक्ष को उत्पाद, इधर वाले पक्ष को कहते हैं अधिकारक, इधर वाले पक्ष को उत्पाद यानी रिजल्ट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद, रिजल्ट मीन्स अधिकारक, यानी ये हमारा अधिकारक और ये हमारा उत्पाद है। अधिकारक भी कई संख्या में हो सकते हैं और उत्पाद भी कई संख्या में हो सकते हैं। फिर इधर देखिए हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन जो होता है वो बहुत विभिन्न प्रकार की होती है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो फिर देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन
पहला हमारा संयोजन क्रिया। संयोजन क्रिया यानी कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखिए वह रासायनिक क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन क्रिया कहलाती है। वह क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वो हमारी संयोजन क्रिया। संयोजन मतलब जोड़ मिल जाना। तो देखिए हमारा NH3 ये हमारा है अमोनिया का सूत्र और यहाँ NaCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये NH3 और NaCl की क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा देख लीजिए यहाँ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनिया का क्रिया अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा अमोनियम क्लोराइड। यानी इस NH4 को एक में ले लिया जाएगा NH4 और Cl ये अमोनियम क्लोराइड इसी अमोनियम क्लोराइड को नवसाधन भी कहा जाता है। तो इसे बताया इसमें परिभाषा में वह रासायनिक क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें संयोजन क्रिया कहते हैं। तो इसमें हमारे दो उत्पाद हैं एक ये NH3 और HCl दोनों मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण के लिए तो ये हमारा हो गया संयोजन क्रिया। ऐसे CO2 या CO ही ले लीजिए CO प्लस Cl2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस हमारा ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी गैस है तो ये दोनों गैस मिलकर CO Cl2 बनाएंगे यानी कार्बोनिल क्लोराइड। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए उसके बाद यदि आपको कोई सब चीज़ ना समझ में आए तो उसको कमेंट जरूर कीजिए।